अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सब अपनी ज़िंदगी मसरूफ़ होंगे। ये हमारा एक नया व्लॉग, आज हमारा पहला दिन है नेपाल से इटली में, और हम यहाँ पे अपने काम के सिलसिले में थोड़ा बहुत आए हुए हैं कंपनी की तरफ से, और अब स्टार्ट करेंगे। सुबह उठे हैं, अभी फ्रेश फ्रेश हुए हैं, रेडी हो गए, बस अभी बिस्तर छोड़ा, देखा कि आप लोगों को नज़र ही आ रहा होगा, बस फ्रेश होकर बस चेंज करके उसके बाद जो है जाएंगे ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, और जो हमारी आज की मीटिंग्स वगैरह वो अटेंड करेंगे, और उसके बारे में आपको बताएंगे कि हम यहाँ पे किस तरीके का दिन स्पेंड करते हैं, क्योंकि काम के बाद खाना, काम खाना, और रात तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करके गुजारनी पड़ती है, कुछ ही तरीके से टाइम काटना पड़ता है। भाई ये रवानगी हो रही है काम पे जाने के लिए, निकल रहे हैं, गाड़ी आ रही है, इस गाड़ी में बैठ के, जो पीछे गाड़ी नजर आ रही होगी आप लोगों, उसमें बैठ के हम जाएंगे काम पे, जो जो हमारा काम है आज, उसमें जिससे से मिलना है, काम करना है, काम करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह आगे अपडेट्स मिलती रहेंगी। भाई नाश्ता करने आए हैं उस्मान भाई के साथ, ब्रेकफास्ट यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे हम, ये केक खाएंगे हम, ब्रेक ये बाहर है यहाँ पे एक ये सर्विंग करेंगे। तो जैम वाला? हाँ वही वाला, वही वाला जैम वाला। ये ऑर्डर कर रहे हैं इटालियन में बोल के, ये हम एक अपने कस्टमर के पास आए हैं, उसके बाद जा रहे हैं अभी हम अंदर, ये आ चुके हैं, दिखाते हैं आप लोगों को इसका ऑफिस। ये ऑफिस है, क्या व्यू है भाई, ये हमारे कस्टमर का ऑफिस है, बड़ा खूबसूरत देखें कैसा डेकोरेट किया हुआ है, ये वेटिंग एरिया है भाई। हम यहाँ पे शवारमा खाने आए, ये भाई हमें शवारमा खिलाएंगे अभी बना के। कितने का भाई? 4.5 यूरो का, 4.5 यूरो का शवारमा। अबे हमारे वहाँ तो छुरी से, अब हमारा शवारमा बन रहा है भाई रोटी में चपाती में। ये पकी पकाई रोटी आई हुई है, ये इन्होंने भाई ने ली है, इसको बेक कर रहे हैं, बेक कर रहे हो ना भाई, ये बेक हो रही है रोटी। हाँ स्पाइसी चाहिए, हाँ ये स्पाइसी बन गया भाई, ये थाईलैंड की मिर्च बनी है। अच्छा ये इसमें डालेंगे फ्राइज, अब डाल दो, सब डाल दो यार, कोई मसला नहीं है। ये भाई बना रहे हमारे लिए शवारमा चपाती पे, कराची में भी मिलता होगा? हाँ मिलता है, लेकिन चपाती पे नहीं मिलता, वो पराठे पे ही मिलता है, मोटेली रोटी पे। ये हमारा शवारमा रेडी हो गया भाई, थैंक यू भाई। भैया भाई ने हमारे लिए ये शवारमा बना दिया, ये हम लेके जा रहे हैं भाई, उनको शुक्रिया आपने बनाया, जजाक अल्लाह भाई, ठीक है। ये भाई पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ना भाई, और ये इनकी नपोली में दुकान है संजो से, किसी को आना हो तो दुकान का नाम बता दो भाई, जब आएंगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा, दुकान पर पड़ेगी। हाँ
भाई ये हम लोग जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए आए हुए हैं। ये मस्जिद है यहाँ पे, देखें आप लोग दिखा रहा हूँ मैं, ये मस्जिद है, जामा मस्जिद है। यहाँ जुम्मे की नमाज़ भी होती है, पाँच वक्त की नमाज़ भी होती है। मैं अंदर से भी दिखाता हूँ आप लोगों को, लोग आ रहे हैं, नमाजी आ रहे हैं। ये पार्किंग है इधर इनकी, ये गेट है, सही है। जुम्मे की नमाज़ के राय के लिए आए हुए हैं, मस्जिद में अंदर जा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं मस्जिद अंदर से। अभी एक जमात यहाँ पे हो गई, दूसरी भी होगी तो हम पढ़ेंगे। فكانت بذلك حياتهم كلها رمضان علموا حقيقته علموا حقيقة هذا الشهر العظيم خطبة الله ونحن ذائقة الإيمان نستقبل شهر شعبان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما भाई ये नमाज़ जुम्मा की अदायगी के बाद जो है अब यहाँ पे हम आए सामान ख़रीदने के लिए कुछ, क्योंकि हमें सामान खरीद कर खाना ना भी पकवाना है रात के लिए, दिन में खाते नहीं है, अब रात में सामान खरीदेंगे। अभी हम एक शॉप पे आए हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, पीछे शॉप नज़र आ रही होगी, ये शॉप से हम सामान ख़रीदेंगे गोश्त वगैरह और खाने पीने का, फिर वो घर पर आके कुकिंग होगी रात के लिए, शाम में पकाएँगे और उसके बाद खाएँगे, ठीक है। अभी दिखाता हूँ आपको शॉप ही अंदर से, ये देखें भाई शॉप, यहाँ पर गोश्त वगैरह ताज़ा मिलता है, सब्जी फ्रूट सब रखा हुआ है, हर चीज़ है। ये दिखाता हूँ मैं आपको, अंडे रखे हुए हैं देखें, और बहुत सारी चीज़ें हैं, पाकिस्तानी इंडियन सब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ये सारा ताज़ा गोश्त रखा हुआ है भाई। हमने चिकन ख़रीदा है पूरा एक चिकन, ये इसका इन्होंने पीसेस कर रहे हैं ये भाई, ये देखें कहाँ पीसेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी सफाई हो रही है। सफाई करेंगे पहले ये, उसके बाद इसके पीसेस करेंगे। ये पूरा चिकन है, ये इस तरीके से था चिकन पूरे पीस में, ये पता नहीं शायद बत्तख है क्या, ये शतर मुर्ग है, समझ में नहीं आ रहा। अब ये पीसेस होंगे आपको दिखाते हैं, ये देखें, ये इनसे पीसेस ने सोच रहे कैसे करें, पहले छुरी से कर रहे थे या बुगदे से कर रहे हैं, ये चापड़ मार रहे हैं चापड़। मीडियम साइज ना किस साइज होगा ये? मीडियम साइज का करें आप, ठीक है भाई। ये पीसेस बनाए इन्होंने, चिकन देखो कितना साफ है, यहाँ का चिकन बहुत पीएचपी होता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। एक हमारे वहाँ चिकन मिलता है उसकी तो बात ही नहीं करो। ये इनका लाइसेंस है, ऐसे ही नहीं गोश्त बेच देता है यहाँ पे कोई पाकिस्तान की तरह के पास दुकान, कोई से भी ठिया लगाओ और बेच दे पाकिस्तान में, तो ठिया लगाओ और जो है वह बेच दो, यहाँ पे ऐसा नहीं है। पहले लाइसेंस देना पड़ता है, एड्रेस देना पड़ता है, जगह बतानी पड़ती है, फिर ये आ जाए आपके पास पूरा लाइसेंस हो, फिर आप गोश्त बेच सकते हो, ऐसे नहीं बेच सकते। आज वेरी नाइस, मैं फिर कह दूं बेदाल क्यों लड़ा बाबू लंबा तेरी। शॉपिंग पे जाने के लिए निकले थे, यहाँ कान पे आ गए भाई के साथ, सही है। ये हमारे भाई हैं, सब्सक्राइब किया चैनल को, ठीक है, इटली में होते हैं ये। चाओ चाओ भाई, ये शॉपिंग करने के लिए आए हैं, स्लीपर लेने के लिए बच्चे की, अंदर जा रहे हैं आप लोगों को दिखाते हैं। ये सेल लगी हुई है यहाँ पे, 70% सेल लगी हुई है, 40% 70% सेल लगी हुई है आइटम्स पे, आप जाके देखते हैं। ये इसका आउटलेट है, यहाँ से हम स्लीपर लेंगे बच्चे के लिए छोटे अपने। भाई हम आज शाम में किसी फरमाइश पे परफ्यूम शॉप पे आए, ये नेपल्स में है परफ्यूम शॉप, और इधर दुनिया जाएंगे परफ्यूम से भाई, और ऐसी ऐसी खुशबू हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। यूरोप की तकरीबन हर कंपनी के यहाँ पे परफ्यूम्स रखे हुए हैं,
और एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव है। ये 50 ml की शीशियाँ जो है ये 300-400 यूरो की है भाई। बहुत ज़बरदस्त शॉप है, सिर्फ परफ्यूम यहाँ मिलते हैं। ये जो है इस शॉप की सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, ये भी हमें अभी रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे भाई परफ्यूम खरीद रहे हैं। कितने का खरीद लिया भाई परफ्यूम आपने? 500 यूरो का? 500 यूरो का परफ्यूम खरीदा है? 200 यूरो का। ये उस्मान भाई 200 यूरो का परफ्यूम खरीद लिया इन्होंने भाई, लेकिन अपने लिए नहीं खरीदा है, किसी को जो है वो पोस्टमैन का किरदार अदा कर रहे हैं उसके लिए खरीदा है, अपने लिए नहीं खरीदा है। तवानाई लेने के लिए आए भाई, तवानाई ज़ाया हो गई है बहुत, तो जो है जूस पीने के लिए आए, फ्रेश जूस पियेंगे यहाँ पे हम लोग, ये बनाएंगे। कौन सा बन रहा है? कौन सा? अनानास। मैंने कहा अनानास और क्या? कीवी डलवाएगा? नहीं, क्या एप्पल? मेल है, पाइन एप्पल, एप्पल एंड ऑरेंज। ऑरेंज अभी ऑरेंज नहीं पीना जा रहा था, मिक्स हो जाएगा ना, पंच हो जाएगा ना। हाँ, की ऑरेंज ये भाई जूस बन रहा है हमारा, फ्रेश जूस। फ्रेश जूस बनाएंगे ये, पाइनएप्पल, एप्पल एंड ऑरेंज, ये भाई बनाएंगे अभी। यहाँ पे हम आए हुए फ्रेश जूस पीने के लिए, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह से उठे ना दोनों का एनर्जी ले लें। फ्रेश जूस बन रहा है पीछे आप देख लें, इसमें ये एप्पल डालेंगे और जो है ऑरेंज एंड पाइनएप्पल सब डालेंगे भाई, ये इटालियन। ये भाई हमारा जूस तैयार हो गया है, 24 कैरेट का जूस है ये बता रहे हैं भाई, 24 कैरेट का जूस है, इसमें प्योर जूस है बिल्कुल। ये जूस पिया जा रहा है, 24 कैरेट का जूस है ये, इसमें सारी चीज़ें प्योर हैं बिल्कुल, 100% प्योर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत जो है हमने काम वाम किया, नमाज वमाज भी पढ़ी, सब कुछ किया और खाना वाना भी माशाल्लाह बहुत कुछ खाया, शूज़ भी आपको दिखाया भी, शो किया हमने। ये बहरहाल ये है कि हमारा दिन आज फुल्ली स्पेंड हुआ यहाँ पे मसरूफियत में, कल है वीकेंड स्टार्ट, यहाँ कोई काम वाम तो होता नहीं, कल देखते हैं कल का दिन क्या होता है, आप किस तरीके से स्पेंड करते हैं वो भी बताएंगे आप लोगों को। बहरहाल ये है कि आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और हो सके तो अपने रिलेटिव्स को भी चैनल्स के बारे में बताएं, ठीक है। इसी तरह आपको मेरे व्लॉग्स मिलते रहेंगे देखने के लिए, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।